अदालत परिसर में बजे बैंड बाजे। अदालत में पहुंची बारह। दूल्हा तीन बच्चों का बाप, दुल्हन भी है तीन बच्चों की माँ। अदालत में ही दोनों ने रचाया ब्याह। मीडिया में वायरल है अजब गजब शादी का ये वीडियो और इस शादी को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये क्या मामला है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह क्यों हुआ ब्याह। तीसरा सवाल ये है कि अदालत में ही क्यों हुआ ब्याह। हमने इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि माजरा कुछ और ही है। पता चला कि मध्य प्रदेश के देवास के एक गांव के रहने वाले पवन कुमार की कई साल पहले शादी हुई थी और जिस महिला से उनकी शादी हुई उससे उनके तीन बच्चे भी हैं। लेकिन पारिवारिक मतभेद के कारण दोनों लंबे अरसे से अलग रह रहे थे। पता चला कि पवन कुमार इसीलिए नाराज थे क्योंकि शादी में उन्हें घोड़ी पर सवार होने का मौका नहीं मिला था और उनकी पत्नी की नाराजगी इस बात से थी कि उन्हें ससुराल में सास ने साड़ी नहीं दी थी। इन मामूली बातों को लेकर मतभेद इतना बढ़ा कि मामला अदालत तक पहुंच गया। आखिरकार अदालत के जज ने दोनों को समझाया और एक बार फिर अदालत में ही ब्याह की रस्में निभाकर दोनों को साथ रहने को राजी किया। लिहाजा पवन कुमार बारात लेकर अदालत पहुंचे और वहां से अपनी उसी पत्नी के साथ लौटे जिसके साथ असल में कई साल पहले उनकी शादी हो चुकी थी। उनके बीच में जो है एक छोटी सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। और विवाद ये हुआ था कि जो है जब उसकी शादी हुई थी तब उसे घोड़े पर नहीं बैठने दिया गया था। बस इतनी सी बात को लेकर के दोनों के अहम आपस में टकराए और पिछले कई दिनों से जो है वो अलग थे। तो आज जो है देवास जिला न्यायालय में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री गंगाचरण दुबे साहब ने उस मामले में एक अनूठी पहल करते हुए दूल्हे को ये मनाया कि हम तेरे को वापस फिर से घोड़े पर बिठाएंगे और तू बारात लेकर न्यायालय में आएगा। तो आज यहाँ सब वकील साथी, पुलिस साथी, न्यायाधीशगण सब ने मिलकर उन सबका वापस उसको बारात उसकी लेकर के हम आए हैं। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर न्यायालय परिसर में अंदर आया है और लड़की को वापस फिर से हमने पुष्पमाला हार वगैरह डलवा करके उन दोनों को वापस सामंजस्य स्थापित करके इकट्ठा उनको वापस घर भेजा है। जाहिर है अदालत में हुई यह शादी अपने आप में अनोखी है और इसीलिए यह खबर भी वायरल हुई। फिलहाल मियां बीवी अपने परिवार के साथ रहने को राजी हैं। अच्छा लग रहा है मुझे। कितने दिन से आपका ये दो साल से हमारा चल रहा है। क्या हुआ ऐसा कि आज आप यहाँ दूल्हे बन के आए और क्या हुआ? जज साहब ने अच्छा डिसीजन लिया और सभी को दोनों को समझा और अच्छा लगा। क्या आप दूल्हे में घोड़े पे बैठ के आए थे? आज घोड़े पे बैठना था। क्यों बैठ के आए थे, क्या हुआ? बस मेरी इच्छा थी हर बच्चों की, हमारी इच्छा थी हम। बहरहाल इस अनोखी शादी की पूरे इलाके में चर्चा है लेकिन सभी खुश हैं और कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है।